अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बीते गुरुवार को एक अनोखा उपग्रह लॉन्च किया है जो पता लगाएगा कि हवा और अंतरिक्ष आपस में कहां मिलते हैं। इस उपग्रह का नाम आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर है। इस उपग्रह को फ्लोरिडा तट से दूर अटलांटिक महासागर के ऊपर से एक विमान से गिराया गया है। विमान से गिराए जाने के मात्र 5 सेकंड के बाद उपग्रह पर लगे रॉकेट ने इसे पूर्व निर्धारित पथ पर ले गया। आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आयन मंडल पर काम करेगा। धरती से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी के बाद पूरा वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। आयतन में आयन मंडल अपनी निचली हवा से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इस बड़े क्षेत्र की हवा की कुल मात्रा वायुमंडल की हवा की मात्रा के 200वें भाग से भी कम है। यानी आयन मंडल में हवा का दबाव न के बराबर होता है। आयन मंडल की उपयोगिता रेडियो तरंगों के प्रसारण में सबसे अधिक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अन्य ऊर्जा वाली किरणें और कणिकाओं से आयन मंडल की गैसें आयनित हो जाती हैं। आयन मंडल के माध्यम से ही शॉर्ट वेव्स को हजारों किलोमीटर तक पहुंचाया जाता है।